वेलकम टू डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो। द डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, मैं आज लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए नेक्स्ट 15 डेज़ की रीडिंग। और ये नेक्स्ट 15 डेज़ की रीडिंग होने वाली है जेमिनाई पीपल के लिए। जी हाँ, मिथुन राशि के लोगों के लिए अगले 15 दिन कैसे जाने वाले हैं मैं बताऊँगी आपको। दिसंबर के कैसे जाने वाले हैं, और साथ ही मैं आपको बताऊँगी आपका लकी कलर, लकी नंबर, एडवाइस और क्या एनर्जी रहने वाली है इस हफ्ते। एडवाइस गाइस मैं आपको इसलिए देती हूँ क्योंकि जैसे ही आप वो एडवाइस फॉलो करेंगे या कोशिश भी करेंगे तो काफ़ी हद तक जो चीज़ नेगेटिव होने वाली है या हो रही है उसमें सुधार आ जाए। ओके गाइस, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आप लोगों का मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोगों के लिए नेक्स्ट 15 डेज़ की मिथुन राशि की रीडिंग। ओके गाइस, के कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, आइए देखते हैं कि कार्ड्स हमारे क्या कहते हैं। मिथुन राशि के लोगों, आपके 15 दिन कैसे जाने वाले हैं उसके लिए हमारे पास पहला कार्ड आया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, द मैजिशियन। सो मिथुन राशि के लोगों, अगर मैं आपकी बात करूं कि आपका ये अगले 15 दिन आपके कैसे जाने वाले हैं, तो गाइस मेरे को लग रहा है आप लोगों की मदर का काफ़ी डोमिनेंट रोल रहने वाला है नेक्स्ट 15 डेज़ में। कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजन मैं देख पा रही हूँ आप लेंगे अपने लाइफ और करियर से रिलेटेड, जिसमें आपकी मदर आपको बहुत गाइड करेंगी। कम्प्लीटली मदर नहीं, बट ये वो भी हो सकती हैं जिनको आप बिल्कुल एक माँ का दर्जा देते हैं, कोई भी फीमेल फिगर जिनको आप पूरी इज्जत देते हैं और जिनसे आप सलाहें लेते हैं। विथ नाइट ऑफ कप्स मुझे ये बता रहा है कि कोई ऑफ़र आपका इंतज़ार कर रहा है। बड़े टाइम से एक ऑफ़र का आप वेट कर रहे थे। मुझे ये ऑफ़र जॉब का लग रहा है फॉर 50% ऑफ द पीपल, एंड नेक्स्ट 50% का लव ऑफ़र लग रहा है, बट वो थोड़ा स्लो आ रहा है। ये ऑफ़र थोड़ा स्लो आ रहा है इन टर्म्स ऑफ लव, बट इन टर्म्स ऑफ करियर डेफिनेटली ऑफ़र आ रहा है काफ़ी स्पीड से। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, सॉरी गाइस, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स मेरे को ये बता रहा है कि आप लड़के थक चुके हैं, आपकी एनर्जी काफ़ी ड्रेन हो चुकी है, आप बहुत नेगेटिविटी में जा रहे हैं। आप धीरे धीरे, मैं कहूँ, नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं। बहुत स्ट्रेंथ जुटाई आपने, बट धीरे धीरे स्टेप डाउन कर रहे हैं आप राइज करने की बजाय। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स डेफिनेटली एनजाइटी, हेडेक आपको बहुत होगा, परेशान रहेंगे, थोड़ा डिप्लीटेड फील करेंगे। डिप्लीटेड इन द सेंस काफ़ी लो एनर्जी में देख पा रही हूँ मैं आपको, परेशान, रात को सो नहीं पाएंगे, टेंशन्स रहेंगे आपको। टू ऑफ पेंटिकल्स में कोई ये बता रहा है कि आप जगल भी कर रहे हैं, मतलब एक, देखिए ये कार्ड है, ये कार्ड में अगर आप पीछे देखें ये वेव्स हैं, इस वेव्स के ऊपर, ये वेव्स आपकी लाइफ की हर्डल्स हैं और ये शिप आप हैं जो सामना कर रही है इन मुश्किलातों का। तो वो मुश्किलातों से आप काफ़ी सामना करते हुए मेरे को नज़र आ रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स मेरे को ये भी बता रहा है कि आपके फाइनेंसेस थोड़े डिस्टर्ब्ड हैं, जिनको आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, जिसकी वजह से आपने काफ़ी जॉब ऑफर्स पे अप्लाई किया हुआ है जॉब के लिए काफ़ी कंपनीज़ में। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से गाइज अगर बात करूँ तो हेल्थ आपकी डेफिनेटली अफेक्टेड है, हेडेक हो सकता है आपको, थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है, सॉरी और मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम आ रहा है आपको। गाइस हीलिंग करवा लो या फिर अपनी वाइब्रेशंस को आप थोड़ा हाई रखें, खुश रहें, पॉजिटिव सोचें।
टावर मोमेंट मेरे को ये बता रहा है किसी चीज़ का एंड, अगर ये नेगेटिव साइकिल है आपकी लाइफ में जो चल रही है नेगेटिविटी, उसका मैं एंड देख पा रही हूँ अगले 15 दिन में, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज़ नए साल के साथ नई वाइब्रेशंस, नई शुरुआत एंड पॉजिटिविटी विच इज़ ग्रेट। मैजिशियन डेफिनेटली मैं यही कहूँगी, ये दो कार्ड्स जब साथ आते हैं गाइस, क्योंकि हर कार्ड का कॉम्बिनेशन अलग होता है, बेसिक मीनिंग तो होता है बट एक कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग और जो इंट्यूशन कहती है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताती हूँ। तो द टावर एंड द मैजिशियन मेरे को ये बता रहा है कि डेफिनेटली कोई नेगेटिविटी का एंड हो रहा है और पॉजिटिविटी आपके पास आ रही है। सपोजिटली अगर आप काफ़ी टाइम से जॉब का वेट कर रहे थे, जॉब नहीं आ रही थी या किसी वजह से डिले हो रहा था, तो डेफिनेटली वो डिले अब नहीं होगा, जॉब आपको मिल जाएगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स मेरे को साथ में गाइज ये बता रहा है, जो मैं बॉटम ऑफ द डेक आया था गाइज, वो ये बता रहा है कि जो आपका लोग जेलस थे आपसे, आपका नुकसान चाहते थे या आपको वो नहीं चाहते थे कि आप सक्सीड करें अपनी लाइफ में, तो उस चीज़ का एंड हो रहा है। ओके गाइज, आइए बात करते हैं आप लोगों के लकी कलर और लकी नंबर की। तो जेमिनी पीपल आपका लकी कलर होने वाला है वाइट, ओके, एंड लकी नंबर विल बी नंबर 1। व्हाइट एंड येलो आपका लकी कलर है एंड नंबर 1 विल बी योर लकी नंबर फॉर नेक्स्ट 15 डेज। आइए गाइस अब देखते हैं आपकी एनर्जीज क्या रहने वाली है एनर्जी ओरेकल डेक से। हमारे पास कार्ड आ गया है आपके लिए डोर टू वैल्यू सी, सिंक्रोनिसिटी आप खुद ही देख सकते हैं। लाइक आई सेड, पहले आपका टावर मोमेंट आएगा, एक बड़ा चेंज आएगा, नेगेटिविटी का एंड होगा, ओके, एंड वो नेगेटिविटी जैसे ही एंड होगी आपके पास अबंडेंस आएगी। ये मैजिशियन देखने, इसके पास कप्स है, स्वॉर्ड्स है, सॉरी, भगवान की कृपा है, इन्फिनिटी सिंबल, ही हैज़ द स्वॉर्ड्स, जिसके पास स्वॉर्ड्स हैं, कप्स हैं, वॉन्ड्स हैं, पेंटिकल्स हैं, सब कुछ है। तो अबंडेंस एंड एनर्जी आपकी क्या होने वाली है नेक्स्ट 15 डेज में, डोर टू वैल्यू, आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे अपने फाइनेंसिस पे एंड अबंडेंस क्रिएट करने की, और वो अबंडेंस आपको मिल के रहेगी। ओके गाइज, आइए देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस आती है। आपके लिए एडवाइस आई है, योर थर्ड आई इज़ ओपन, सी द ट्रूथ व्हाट इट इज़, फॉलो योर इंट्यूशन। आपको ये कहा जा रहा है जो भी आपकी दिल की बात है, जो आपकी गट फीलिंग कहती है, आप उसी को ही फॉलो कीजिए। साथ ही गाइस बॉटम ऑफ द डेक हमारा आया है फेजेस एंड साइकिल्स, जैसे कि मैंने आपको बोला कोई नेगेटिविटी का एंड हो रहा है या किसी साइकिल का, तो वही आया, देर इज़ अ बिगनिंग विद इन एवरी एंडिंग। जो भी आपकी मतलब जो हर शुरुआत किसी चीज़ के ख़त्म होने से होती है, कोई चीज़ ख़त्म होती है तभी कोई नई चीज़ शुरू होती है। और ये कार्ड हमें ये बोल रहा है कि जो भी आप जिन चीज़ों से भ्रमित हैं, जो इल्यूजन है, जो आप सोच के बैठे हैं, इमेजिनेशन में हैं अपनी, वो सब ख़त्म कीजिए, उस सबको रिलीज़ कीजिए। ओके गाइस, सो ये थी नेक्स्ट 15 डेज, अगले 15 दिन मिथुन राशि के कैसे जाने वाले हैं दिसंबर के। अगर आपसे रेजोनेट करी हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले मेरा चैनल। मैं आऊँगी आप लोगों के लिए एक और नई रीडिंग्स के साथ। टिल देन लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।